हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेके आया दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो पूरे वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, हर चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ चुका है, और यहां पर क्या दिया है दोस्तों कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ ए वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो एप्रोप्रिएट मेथड मतलब ये होता है दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन को देखना होता है। आप देखोगे दोस्तों यहां पर नंबर दोस्तों बहुत बड़े बड़े नंबर दिए हैं, तो बड़े बड़े नंबर दिया हो ना दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना होता है, आपको यहां पर एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करना होता है, जिससे आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए। लेकिन दोस्तों आप अगर डायरेक्ट मेथड से कंफर्टेबल हो, आप इजीली कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पर मेथड मेंशन नहीं किया है, तो आपको मार्क्स दोनों मेथड में मिल जाएगा। तो यहां पर दोस्तों मैं फाइंड करने जा रहा हूं मीन एज्यूम मीन मेथड से। तो सबसे पहले दोस्तों फॉर्मूला यहां पे लिखूंगा मैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। अब आपके दिमाग में आएगा कि एन क्या होता है, आपको बता दूं दोस्तों, एन जो होता है वो होता है सिग्मा एफ आई होता है, तो सिग्मा एफ आई भी लिख सकते हो या फिर दोस्तों एन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों एफ आई का जो टोटल जो होता है, मतलब यहां पर दोस्तों जो दिया हुआ है ये है नंबर ऑफ वर्कर्स, ये एफ आई है, तो एफ आई का टोटल हमेशा दोस्तों यहां पर क्वेश्चन में ही दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं जाए, आपको क्या करना होता है, पूरा आपको यहां पर प्लस करना होगा और यहां पर टोटल लिखना होगा। तो यहां पर टोटल 50 दिया है, तो यहां पर मैं 50 लिख देता हूं। अब दोस्तों यहां पर xi है, तो xi मतलब क्या होता है दोस्तों, मिड वैल्यू होता है। मिड वैल्यू किसका, तो यहां पर दोस्तों जो क्लास दिया हुआ है, ये सब क्लास का आपको मिड वैल्यू निकालना होगा। और मिड वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपको बता दूं दोस्तों, ये जो दो नंबर दिया है, इन दो नंबर को प्लस करना होगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको मिड वैल्यू मिलेगा। तो यहां पर आपको कैलकुलेट करके बताता हूं मैं कि 100 प्लस 120 कितना होगा दोस्तों, 220 होगा, डिवाइड बाय 2 करो कितना होगा दोस्तों, 212 यहां पर 110 होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखोगे 120 और 140 दोनों को प्लस करो कितना होगा आपका, आपका होगा 260 होगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो यहां पर 130 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर दो जो निकाला मैंने उसको यहां पर लिख लेता हूं, यहां पर लिखूंगा 110 और यहां पर 130। लिखने के बाद समझ में आया कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 20 का डिफरेंस है, तो यहां पर 130 में 20 प्लस करूंगा तो यहां पर 150 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें 20 प्लस करूंगा तो 170 और यहां पर 20 प्लस करूंगा तो यहां पर 190 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम निकालेंगे डीआई निकालेंगे, तो यहां पर मैं लिखने आ रहा हूं डीआई। देखोगे डीआई इक्वल टू एक्सआई माइनस यहां पर ए। अब ए क्या होता है दोस्तों, एक्सआई के कॉलम में कोई भी नंबर ले लीजिए और आप उसे ए सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, सबसे छोटा नंबर लीजिए, क्योंकि दोस्तों छोटा नंबर लोगे तो आपके हर एक नंबर पॉजिटिव में आएगा। तो यहां पर ए जो है दोस्तों 110 को लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर भी राउंड कर लेता हूं मैं, जो मैंने यहां पर ए सपोज किया है मैंने, ये देखिए इसे राउंड कर लिया, इसे ए सपोज किया है। अब दोस्तों 110 और यहां पर 110 दिया है, तो माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। 130 माइनस 110 कितना होगा दोस्तों, 20 होगा, तो यहां पर 20 लिख दिया। उसके बाद दोस्तों 150 माइनस 110 कितना होगा आपका, यहां पर 40 होगा। यहां पर दोस्तों क्या होगा देखिए, 150 माइनस 110 40 आ गया, 170 माइनस 110 करोगे तो यहां पर 60 मिल जाएगा, फिर 190 माइनस 110 करोगे तो आपको यहां पर 80 मिल जाएगा, इतना लिख लिया। अब क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दोस्तों यहां पर फॉर्मूला क्रिएट होगा एफ आई डी आई। तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखूंगा, तो यहां पर 12 मल्टीप्लाई 0, यहां पर 0 हो गया, यहां पर 14 20 जा नहीं आया तो कोई बात नहीं, 14 2 जा 28 लिखिए, एक 0 को चिपका दीजिए, सिंपल। उसके बाद दोस्तों 8 4 जा 32 और एक 0 यहां पर चिपक जाएगा, यहां पर दोस्तों 6 6 जा 36 इस 0 को यहां पर चिपका दीजिए, यहां पर दोस्तों 8 1 जा 8 है, इसका 0 इसका 0 दो 0 है, तो दो 0 यहां पर चिपका दीजिए और आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे, तो प्लस करके देखो दोस्तों यहां पर 0 0 है तो यहां पर 0 आ गया, यहां पर 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 16 होगा, तो यहां पर 6, यहां पर कैरी 1 चला गया, यहां पर 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 आपका कितना होगा दोस्तों, 8 होगा, 8 प्लस 8 16 होगा, और 16 प्लस 1 कितना होगा 17 होगा, तो 1760 आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो यहां पर मैं लिखूंगा यहां पर कि a क्या है मेरा, ये मेरा 110 है,
सिग्मा एफ आई डी आई क्या आया दोस्तों, यहाँ पर 1760 आया, डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों, 50 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले कैंसिल कर लेता हूँ, यहाँ पर जीरो जीरो कैंसिल कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी होता है और यहाँ पर दोस्तों आपका एलसीएम भी होता है, लेकिन आप क्या करोगे दोस्तों, सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे, इसको मैं रफ कर लेता हूं मैं और यहाँ पर आपको ट्रिक सिखाता हूँ। देखिए अब आप क्या करोगे, इसे सिंपली आप यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, 17 यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पर 17 है तो 5 3 जा कितना होगा दोस्तों, 15 होगा, तो यहाँ पर 15 आ गया, यहाँ पर 0 यहाँ पर 2 आ गया, ये दोस्तों आपका यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 25 आ सकता, तो 5 5 है आपका 25, यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ 0 यहाँ 1 पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 5 2 जा आपका 10 हो जाएगा, काम खत्म हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है 110 है प्लस यहाँ पर 35.2 होगा, आप क्या करोगे इनको प्लस कर लीजिए, क्या होगा देखिए, 110 प्लस 35 पॉइंट यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 5 यहाँ पर 4 यहाँ पर 1, तो 145.2 ये हो गया आपका आंसर। हो सकता है दोस्तों टेक्स्ट बुक के अंदर पीछे आंसर आपका यहाँ पर 145.20 आ जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम ही हैं, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, यही आंसर आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सम जो भी मैंने सॉल्व करके बताया आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसा लगा ये भी लिख के बताइए, और दोस्तों ऐसे वीडियो आप और चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, जिससे दोस्तों हर एक वीडियो आपको इजिली मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।